बढ़ती ब्याज दरों के माहौल में गारंटीड रिटर्न देने वाले जो फिक्स्ड इनकम निवेश के ऑप्शंस होते हैं, इनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? फिक्स इनकम निवेश की चमक बढ़ रही है, यानी आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। बैंक का फिक्स डिपॉजिट हो, यहाँ पर हम ब्याज में बढ़ोतरी देख रहे हैं। सरकारी सिक्योरिटीज का 10 साल का यील्ड हो या फिर डेट म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी यील्ड हो, सब में एक अपवर्ड मूव है। कुछ समय तक ये सारे निवेश रिटर्न के मामले में दबाव झेल रहे थे, लेकिन अब सरकार की बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो 5.5 के स्तर से अब ये 7.5 के स्तर पर पहुंच गई है। बैंक के FD भी अब करीब करीब 6% का ब्याज आपको देने लगे हैं। डेट म्यूचुअल फंड में 7-8% का हम एक मैच्योरिटी यील्ड देख रहे हैं। तो आपको इन निवेश में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, जानते हैं हमारे फॉर्मूला गुरु मनी मंत्र के फाउंडर वीरल भट्ट से। वीरल, स्वागत है आपका मनी 9 में। सबसे पहले तो ये गुरु मंत्र देकर हमें समझाइए कि क्या हर पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम का हिस्सा होना जरूरी है, होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? थैंक यू प्रियंका जी शो में बुलाने के लिए। पहले तो मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली होना चाहिए। फिक्स्ड इनकम डेट इन्वेस्टमेंट्स हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ही जरूरी है और होना चाहिए। ऐसा कहते हैं प्रियंका जी कि हमको इंग्लिश में कहावत है कि वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन अवर वन बास्केट, राइट? सो वैसे ही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और अगर देखें कि फिक्स्ड इनकम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जब भी आपको निकालना हो लिक्विडिटी, ऐसा कहते हैं कि कोई मुझे इमरजेंसी आ गई, राइट? कोई इमरजेंसी आ गई, मुझे कुछ ऐसी आपत्ति आ गई मेरे जीवन में जिसके लिए मुझे अगर मेरे इन्वेस्टमेंट में करते आ रहा हूँ तो कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को मैं सबसे पहले निकालूंगा, तो वो होते हैं डेट इन्वेस्टमेंट। डेट इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं, काफी लिक्विडेबल होते हैं, राइट? और उसके जो रिटर्न होते हैं वो भी काफी एश्योर्ड होते हैं और वो शॉर्ट टर्म नेचर वाले रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखेंगे तो डेट फंड काफी, डेट इन्वेस्टमेंट फिक्स इनकम जो हम कहते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफी फायदेकारक होते हैं, फायदेमंद होते हैं। और डेट का जो पोर्टफोलियो है वो हमारे पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 20-30% होना ही चाहिए। बट वो निश्चित करने से पहले भी कुछ उसके पैरामीटर्स हैं वो हमको ध्यान में रखने चाहिए, राइट? जैसे पैरामीटर्स में ऐसा कहते हैं कि हमारे गोल्स क्या है, राइट? वो गोल्स के हिसाब से भी हमको सोचना चाहिए। डेफिनेटली हमारे गोल्स शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को हमको हमारे पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर लक्ष्य शॉर्ट टर्म का है तो डेट इन्वेस्टमेंट या जिसे मैं आज फिक्स्ड इनकम निवेश कर रही हूँ वो आपके पास होना चाहिए। आपने अभी ये बात टच की वीरल कि करीब जो है इसका हिस्सा जो है 10-20% होना चाहिए, लेकिन क्या ये हिस्सेदारी बदलेगी उम्र के हिसाब से? उम्र के किस पड़ाव में कितना निवेश होना चाहिए? क्या उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मुझे इसे कम ज्यादा कैसे करना होगा, किस प्रोपोर्शन में करना होगा? वीरल देखो प्रियंका जी, एक चीज होती है कि एक ऐसे थंब रूल कहते हैं कि भाई जैसे मेरी एज, अभी मान के चलो मेरी एज जो है वो 30 इयर्स की है, तो 30 इयर्स की एज है तो मेरा जो डेट का पोर्शन होना चाहिए वो 30% होना चाहिए और मेरा जो इक्विटी का पोर्शन होना चाहिए वो 70% होना चाहिए। और जैसे जैसे मेरे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मुझे डेट को ज्यादा रखना है और इक्विटी को कम करना है। बट ये सारे लोगों को लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि सारे लोगों के प्रोफाइल्स जो अगर जिसकी महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, गोल्स होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो गोल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमको क्या हासिल करना है, बराबर है, उसको भी सोचना चाहिए। मुझे इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए भी बचा के रखना है। तो ऐसा नहीं कह सकता है कि सारे लोगों को यही फिट रखना है कि हमारी एज बढ़ेगी तो हमें डेट करना है। बट हमारे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। बट हाँ, अगर थंब रूल के हिसाब से चले तो एक एज का पैरामीटर काफी अच्छा होगा कि डेट का एलोकेशन मैं कितना रखूं। शुरू मैं यंग हूँ तो मेरा इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए और डेट का कम होना चाहिए, राइट? और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, जैसे मेरा जो पड़ाव है मेरा एज का 50-55-60 के पास आता है, तो मेरा डेट का जो है वो एलोकेशन है वो ज्यादा होना चाहिए और इक्विटी का कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब वीरल ये बताइए कि कौन कौन से वो ऑप्शन है डेट निवेश के जो एक निवेशक के सामने रहते हैं जिनमें निवेश करने की आप सलाह देते हैं? एक गुरु मंत्र तो आपने ये दिया कि आपको देखना होगा अपना इन्वेस्टमेंट का टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बताइए कितने ऑप्शंस हैं और क्या है सबसे अच्छा ऑप्शन? ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो डेट
भी इतना डाइवर्सिफाइड और वर्सिटाइल है, वही कैटेगरी के अंदर आप शुरू कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट जो सारे लोगों को पता है, रिकरिंग डिपॉजिट वो भी बहुत सारे लोगों को पता है, काफी कुछ सालों से एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए और गारंटेड इंश्योरेंस प्लान हो गए, ये जो डेट सेगमेंट में है ये इतने सारे ऑप्शन आते हैं। आप चाहिए तो जैसे हम सेविंग अकाउंट करते हैं, जैसे लिक्विडिटी और कंटीजेंसी को सेविंग अकाउंट रखते हैं जो कभी भी लिक्विडेबल है, एक या दो दिन से लेकर 10 साल तक का भी डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और 15 साल का पीपीएफ, एक 15 साल का भी हम ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। ओके, सो आपने अभी डेट म्यूचुअल फंड की भी बात की, आपने कहा पीपीएफ जैसा भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी, वो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो आते हैं, इसमें निवेश की क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं? क्योंकि जब नाम जुड़ जाता है ना गवर्नमेंट सरकारी बॉन्ड, तो एक सॉवरेन गारंटी की जब बात आती है तो लोग ज्यादा सेफ फील करते हैं। आपको कैसे लगते हैं सरकारी बॉन्ड अगर फिक्स्ड इनकम निवेश के लिए अगर इन्हें कोई चुने तो? जैसे आपने सही कहा, सेफ और एक निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा पैसे को कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली इसीलिए गवर्नमेंट भी टाइम एंड अगेन बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स लेकर आते हैं, बॉन्ड्स लेकर आते हैं। एक स्कीम के बारे में मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो हालांकि लास्ट एक दो साल से काफी पॉपुलर भी हुआ है, बट उसकी जो पॉपुलरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो है आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम। वो एक काफी पहले हुआ करता था, काफी टाइम से हुआ करता था, बट रिटेल इन्वेस्टर जो जिसको 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है उसको मौका नहीं था इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, बट अभी एक रिटेल आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम आ चुकी है जो उसको सोवरेन बॉन्ड भी कह सकते हैं। आज के टाइम पे जब भी आपने शुरू में कहा कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा है तो वो माहौल में काफी पॉपुलर हुआ है वो। आज का अगर उसका इंटरेस्ट रेट के बारे में देखिए तो अराउंड 6.5-7% के आसपास उसका इंटरेस्ट मिल सकता है आपको, सेमी एनुअली और एनुअली आपको उसके पे आउट भी मिल सकते हैं, और काफी लो कॉस्ट है, अफोर्डेबल भी है, और शॉर्ट टर्म के लिए ये रिटेल आरबीआई का रिटेल स्कीम जो है वो काफी अच्छा है। ठीक है, बट कुछ उसकी बुराइयां भी है, थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए लोगों को। एक लिक्विडिटी, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है तो हमको जब भी उसको बेचना है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरा टारगेट मान के चलो 5 साल होगा 10 साल होगा, बट जैसे मैंने शुरू में कहा डेट इन्वेस्टमेंट हम शॉर्ट टर्म के लिए भी सोच सकते हैं लिक्विडिटी के पर्पज से, तो इसमें थोड़ा सा एक लिक्विडिटी का इश्यू आ सकता है। लिक्विडिटी तुरंत नहीं मिलेगी, मुझे जब बेचना है तभी मैं नहीं बेच पाऊंगा, अगर सामने वाला उसको बेचेगा नहीं तब तक मैं खरीद भी नहीं पाऊंगा, तो ये कुछ एक दिक्कत है इसके अंदर। और दूसरी चीज टैक्सेबल डेट इन्वेस्टमेंट में प्रियंका जी, ये टैक्स का एक बहुत ही बड़ा एक एंगल हमेशा याद रखना है। कुछ टैक्स एफिशिएंट भी है और कुछ टैक्स एफिशिएंट नहीं भी है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की बात करें तो वो इतना टैक्सेबल है, टैक्स एफिशिएंट नहीं है, और वो चीज हमको याद रखनी है कि जो आपका इनकम टैक्स का जो स्लैब होगा, जो इनकम टैक्स स्लैब में आप आते होंगे उसके हिसाब से आपको उसके अंदर टैक्स देना पड़ेगा। राइट, अच्छा आपने टैक्स एफिशिएंसी की बात की तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेट म्यूचुअल फंड से के पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, ये टैक्स एफिशिएंट है क्या एज कम्पेयर टू सरकारी बॉन्ड? और दूसरी बात है कि डेट म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही आपको अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के भी मिलते हैं तो लिक्विडिटी का उतना इश्यू नहीं होता, क्योंकि जो आप सरकारी बॉन्ड लेंगे उसमें बहुत लंबा लॉक इन होता भी है, तो डेट म्यूचुअल फंड में उतना लंबा लॉक इन नहीं हो सकता, हम बच सकते हैं ना उससे? डेट म्यूचुअल फंड कैसे ऑप्शन है? डेफिनेटली प्रियंका जी आपने एकदम सही कहा, डेट म्यूचुअल फंड में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेट फंड्स, तीन तरीके के डेट फंड्स अवेलेबल है। एक उसको आप शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, मीडियम टर्म में भी रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे आपने कहा शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, लिक्विड फंड, ऐसे सारे जो फंड है वो शॉर्ट टर्म में आते हैं। फिर एक मीडियम टर्म करके भी एक कैटेगरी आती है डेट, जो मीडियम टर्म मान के चलो आप 1-3 साल के बीच में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है डेट इन्वेस्टमेंट में तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में मीडियम टर्म फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक तीसरा हो गया लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप रिटर्न्स को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा देना है तो लॉन्ग टर्म उसमें क्रेडिट फंड्स आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स आते हैं, ऐसे वाले हैं जो लॉन्ग टर्म जिसकी अवधि जिसका ड्यूरेशन आप 3-5 साल 10 साल भी आप रख सकते हैं। और रही बात उसके टैक्स एफिशिएंट की, डेफिनेटली डेट म्यूचुअल फंड में सबसे बेहतर एक बात जो है वो है इंडेक्सेशन। 3 साल के बाद अगर आप उसको निकालते हो
आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, इन्फ्लेशन का भी बेनिफिट मिलता है और आपका जो रिटर्न है वो उसको बढ़ाने का बहुत ही अच्छा मौका आपको डेट म्यूचुअल फंड में मिल सकता है।